हाथी जैसा कान हो गए गाइस, देख लीजिए अभी निकल चुका है, कांटा निकल चुका है फिर भी कान सूझ रहा है। ये देखिए जरा इसको, इसको बोला था मैंने कि तू पढ़ाई कर, लेकिन ये मधुमक्खी के पास गई। क्यों गई तू? हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो गाइज वेलकम है सभी लोगों का एक बार फिर से ओमराज रेंदे ब्लॉग्स में। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं गाइज 12:51, समझ सकते हैं आप, एक बज रहा है लगभग, 9 मिनट बाकी सिर्फ, और अब जाके मैं अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ गाइज। तो अभी बने रहेगा गाइज, बकरी छोड़ने वाला हूँ मैं अभी। और एक चीज़ दिखाता हूँ गाइज मैं आपको, ये चेक करें गाइज, एक ही कान दिख रहा है इसका, क्योंकि एक कान काट दिया है गाइज इसका। क्यों रे, ये चेक करें गाइज, मधुमक्खी ने काट लिया है गाइज, हाथी जैसा कान हो गया है इसका। कुछ कहना चाहेंगे आप मधुमक्खी के बारे में? मधुमक्खी ने काट लिया गाइस, ये देखिए एक कान का बुरा हाल हो गया गाइस, एक कान गायब, एक कान हाथी जैसा हो गया है पूरा। तो चलिए गाइस, हाथी जैसा कान हो गया गाइस, देख लीजिए। और फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ अभी बकरी, और मिलते हैं आपको फिर खेत में। हे गाइस, तो मैं अभी खेत में आया हुआ था और काफ़ी हवा चल रही है और अपनी बकरी घर की तरफ जा रही है अभी। तो चलिए गाइस घर पे मिलते हैं आपसे। हे गाइस, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी भी इसका कान ऐसा का ऐसा ही है, शायद उसका काटा निकला नहीं है गाइस। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं निकल रहा है गाइस, अगर आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए ज़रा। ये कान देखिए गाइस इसका कैसा हो रखा है, देखिए गाइस, हाथी के जैसा कान हो गया है गाइस एक, और एक कान दिख भी नहीं रहा है। और अभी शाम हो चुकी है, कबूतर अपने खुले ऊपर देख सकते हैं आप। और शाम हो चुका है रे बाबा, अभी तो दोपहर ही है, 5 बज गए ना मैम साहब, दोपहर ही है, रात के 5 बज गए। और उधर बकरी अपना बस आराम से बैठी हुई है। तो चलिए गाइस, मुर्गी को हमने पैक कर दिया है, हाँ इसका मतलब है वो मुर्गी के घर में, उसको बंद कर दिया है अभी। और अभी मैं फोन चार्जिंग को लगाने वाला हूँ, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद गाइस। इसके कान का कोई उपाय हो तो बताइए जरा। पिछला वाला वीडियो 5:54 को निकाला था और ये वीडियो 6:08 को निकल रहा हूँ गाइस, लेकिन इसके कान को क्या हो गया है जरा आप बताइएगा। मधुमक्खी ने कैसा इसका, मतलब एक ऐसा क्या करने गई थी मेरे को भी नहीं पता, मैं तो बकरी लेके गया था तब इसको नहीं, तब तू सो रहा था, तब मैं सो रहा था गाइस, और इसको बोला था मैंने कि तू पढ़ाई कर, लेकिन ये मधुमक्खी के पास गई। क्यों गई तू बताइए जरा, क्यों नहीं देखा गाइस कैसे बोलती, क्यों नहीं, कोई जरूरत नहीं थी गाइस इसको घूमने की उधर, लेकिन गई। और इसने मेरे को कल भी नहीं बताया, आज बता रही है, तो आज बहुत सूझ गया है, लेकिन वो काटा नहीं मिल रहा है गाइस अभी कान में, काटा तो निकल चुका है, काटा निकल चुका है फिर भी कान सूझ रहा है। देखियो जरा इसको, ऐसा मारूंगा ना तुमको। तो फिलहाल गाइस अभी, और एक बात गाइस मैंने को ये आपको सुबह से बोलना था लेकिन नहीं बोला, जो कोरोना वैक्सीन ली थी गाइस
अभी तक पेन कर रहा है हाथ भी और पूरा शरीर पेन कर रहा है गाइस, लेकिन मैंने बताया नहीं ज़्यादा, अब बता रहा हूँ गाइस, तो बने रहिएगा गाइस। तो गाइस यहाँ पे होता हुआ वॉइस ओवर, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी किसी न्यू ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।